हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आप अपने पीले गंदे हुए दांतों को किस तरीके से मोतियों की जैसा चमका सकते हैं। अक्सर दोस्तों दांतों में प्रॉब्लम्स हो जाती है, दांत हमारे बहुत ही ज़्यादा पीले हो जाते हैं और इसके साथ साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जिससे आप कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हो तो दांतों में एक अलग सी झंझनाहट होती है दोस्तों, और दांतों का दर्द भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगी आपको कि किस तरीके से आपको जो है ब्रश करना है, किस तरीके का नुस्खा बताऊँगी जिससे ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगा। तो दोस्तों आज का नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए होगा टमाटर। टमाटर यानी कि जो किचन में आप इस्तेमाल करते हैं, टोमेटो सब्जी बनाते हैं और चटनी बनाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों टोमेटो के अंदर जो है ना भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी होता है दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, और ये जो है दोस्तों अक्सर जो है कहा जाता है ब्लीचिंग का भी काम करता है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है, तो हमारे दांतों को दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होता है। तो आपको जो है यहाँ पे टमाटर को काट करके उसका रस लेना है, इसका रस बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके दांतों से, जितनी प्रॉब्लम्स जैसे कि पीलापन होता है वो दूर कर देगा, आपके दांतों में झंझनाहट होती है वो दूर करेगा, आपके दांतों में अक्सर कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना वो धीरे धीरे कम कर देगा, और बहुत ही मोती जैसा आपका दांत चमकना शुरू हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। और उसके बाद आपको अगली सामग्री जो चाहिए होगा ये है नींबू, नींबू का रस। नींबू का रस दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, मतलब गुणों का भंडार है नींबू। नींबू की क्या बखान करूँ मैं, हर चीज़ में नींबू का इस्तेमाल होता है, दांत से लेकर के, स्किन से लेकर के, ब्यूटी से लेकर के, बालों से लेकर के, हमारे हेल्थ से लेकर के, हर चीज़ में नींबू का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे दांतों को चमकाने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल हम करेंगे, तो आपको आधा जो नींबू काट करके आधा जो है उसका रस निकाल लेना है, लगभग आधा चम्मच के आसपास, और उस रस को उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके अंदर भी पाया जाता है विटामिन सी और नेचुरल ब्लीच का काम करता है हमारा नींबू, तो दांतों को मोती जैसा चमकाने में, कीड़े को हटाने में, दांतों के मसूड़ों से अक्सर बदबू होती है गम से, उसको हटाने में नींबू का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे नमक। नमक के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट यानी कि साधारण नमक जो होता है वो इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, सेंधा नमक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर आपके पास है तो, आपके दांतों से जैसे कीड़े वगैरह को हटाने में, दांतों की बदबू को दूर करने में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के ज़माने में लोग नमक और कहा जाता था जो सरसों का तेल होता था ना उसको मिक्स करके ब्रश करते थे, इससे आपके दांतों से स्मेल वगैरह दूर होती है और दांत सफ़ेद भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए, कोशिश करें जेल वाला ना हो, जैसे क्लोजअप वगैरह हो गया, कुछ कुछ पेस्ट जो जेली फॉर्म में होते हैं वो नहीं लेना है आपको, लेना है कोलगेट जैसा, जैसे कोलगेट हो गया, उसके बाद आपको डाबर का लाल टूथपेस्ट हो गया, या फिर अक्सर जो रामदेव बाबा का पतंजलि का आता है वो उस टाइप के जो गाढ़े वाले पेस्ट होते हैं ना, कंसिस्टेंसी जिसकी गाढ़ी होती है वो इस्तेमाल करना है, जेल टाइप का नहीं लेना है आपको, और वो जितना आप एक दिन में करते हैं उतना ही लेना है, और उसको डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और आपको लेना है ब्रश, जो भी आप ब्रश करते हैं उस ब्रश से आपको अपने दांतों पे इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेरे दांत को दिखा रही हूँ कि मेरे दांत कितने मोती जैसे चमकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ DIYs अपने दांतों के लिए करती रहती हूँ। वैसे नेचुरल मेरा दांत भी बहुत ही सुंदर और अच्छा है, मुझे मेरा दांत बहुत पसंद है, पर लेकिन इसको देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से खर्चे तो होते ही हैं और आपको बहुत परेशानियाँ भी होती होगी, तो घर में ही इस तरीके का आप DIY नुस्खा वगैरह कीजिए, अपने दांतों के को ब्रश कीजिए, नेचुरल जो तरीका होता है ब्रश कीजिए उससे, जिससे आपके दांतों से ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको एक अलग सी फ्रेशनेस वाली भी फीलिंग आएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लगभग 2 मिनट तक ब्रश करना है, और ये रोज़ाना ना करें, वीक में आप 2 बार भी इस तरीके से कीजिएगा ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, ट्राई कीजिए। और अच्छा लगा आज का ये वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।